डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, एक घायल। रोड नहीं तो बोट नहीं, भटिया वासियों ने किया जमकर प्रदर्शन। दतला के ग्रामीण पहुंचे तमो जिला पंचायत सदस्य, बताए जाते हैं खपा, जमकर की नारेबाजी। निष्पक्ष कार्रवाई की रखी मांग। ग्राम खामखेड़ा में नहीं है दलित बस्तियों में बिजली। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। दमोह जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बार पुनः तेज रफ्तार मौत की वजह बन गई। बताया जाता है एक ट्रैक्टर ट्रॉली से दो लोग जा रहे थे कि बीच रास्ते में तेज रफ्तार ये ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक से नीचे उतरते समय अनियंत्रित हो गया और पलट गया। घटना में अमर सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि रम्मू सिंह आदिवासी घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल उन्हें दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नौटा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया। सद्धरू के समीप बड़ियाव की टेक के नीचे ये घटना घटी है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुआ और इस घटना में अमर सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। वही बड़ी संख्या में अमर सिंह के समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। वहीं घायल का उपचार चल रहा है। एक के नजर ट्रैक्टर पलटा, रम्मू सिंह चला रहे थे, अमर सिंह बैठे थे, उनकी मृत्यु। कैसे ये पूरी घटना हुई है? सर के जा रहे थे हार हों ट्रैक्टर पर बैठ के, आदिवासी को ट्रैक्टर है से जा रहे थे सर, क्या बेरखिया लोगों को क्या होगा, नाली में गिर गया। ये रहने वाले कहाँ के हैं? अमर सिंह है बड़ियाव के, ट्रैक्टर 12 है खजरे आई का। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये ट्रैक्टर घर जा रहे थे, जो वहीं खेती कर रहे थे, अमर सिंह से जा रहे थे। किस जगह से? बड़ियाल से जा रहे थे। किस तरफ? खजरे आई। ये घटना कहाँ पर हुई है? बीच में भाई पुल के यही बगल एक किने। कितने लोग घायल हैं? दो ही लोग, एक घायल है, एक खत्म हो गया। कब की घटना है ये? करीब 11:30 के करीब है। आप इनकी कौन है? हम भाई हैं। आपका नाम? मुन्ना सिंह। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दतला से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर सरपंच के द्वारा आरोप लगाया गया कि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा उनके बेटे के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य के विरोध में मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए।
बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उनके द्वारा की गई। कांग्रेस नेता मनु मिश्रा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही गई। और जो हमारे प्रताप सिंह जी हैं जिला सदस्य रहे विधायक, उनके साले भी हैं, इनका बेटा है, उस छोटा बच्चा है, तो क्या है इनके ये चुनाव लड़े थे सरपंच का, और इनके खिलाफ भरत सिंह वहाँ पे चुनाव लड़े थे दरकपाल सिंह लोधी के चाचा रज्जू सिंह, तो वो हार गए चुनाव, तो थोड़ी चुनाव की रंजिश के कारण इन लोगों की आपस में बुराई चल रही है। तो उनने एक महिला से वहाँ इनके बेटे के नाम पे झूठी शिकायत करा दी, और झूठी शिकायत में कि ये हमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, जबकि पूरे गाँव के सब लोग खड़े हैं, तो ये लोग चाह रहे हैं कि उसकी जाँच हो जाए बिना इंक्वायरी करे, मतलब कोई भी FIR लॉन्च ना वो दे, नहीं FIR तो केवल एप्लीकेशन दी है, और वो केवल सर चुनाव की केवल बुराई के पीछे कर रहे हैं। कौन सा थाना लगे ये सर? नोएडा। जी सर, जाँच की, और यहाँ पे भी सर अगर कोई आवेदन देते तो पहले आप ज्यादा होते टीम से करा लो, पूरा गांव खड़ा है, अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो फिर जो उचित कार्रवाई वो हो, लेकिन अनावश्यक किसी मतलब बुराई के कारण किसी भी आदमी पे, बच्चा कहाँ है? कितनी उम्र उसकी? 20 साल। 19-20 साल का लड़का है। अब सर क्या है कि अगर जैसे कोई बुराई है तो उसको अलग स्तर पर भुजा लो, लेकिन ऐसे किसी पे चले प्रलन करके उसका बर्बाद करने से कोई नहीं। मैं पहले जाँच करूँगा। जी सर, ठीक है। क्या हुआ था, क्या सवाल? सर ये हुआ था कि चुनाव उनके दरकपाल के चाचा हमसे चुनाव लड़े थे, वो हार गए, और पंचायत में कई बार दरकपाल सिंह हमारे काम में इंटरफेयर करते हैं, उनसे अपन ने बोला तो बोला हमको परसेंट दो, 10%। मैंने भाई किस बात का परसेंट दें आपको, आप कौन हैं? कल लगे नहीं मैं जिला सदस्य हूँ परसेंट। मैंने कि भैया मैं परसेंट नहीं दे पाऊँगा आपको, वो कल लगे तो फिर हम देख लेंगे। मैंने जो आपको ठीक उचित लगे वो कर लेना, लेकिन मैं परसेंट नहीं दूंगा आपको। तो उसी के चलते उनने एक महिला से हमारे मंझले वाले बच्चे को छेड़खानी का केस यहाँ परसों शनिवार को यहाँ लेवालान के उस साहब रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, तो ज़बरदस्ती यहाँ मीडिया बुला के और धरना दे के हम अगर यहाँ उनके रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो हम यहाँ ये महिला यहीं तंग फांसी लगा लेगी, जेल लगा लेगी, मतलब जबरन दबाव देके उसकी यहाँ रिपोर्ट लिखवाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, अगर हम दोषी पाए जाएं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लगता है कि पुरानी रंजिश है, देखिए ये इनके पुराना पारिवारिक विवाद भी है और चुनाव की रंजिश भी है, उनके चाचा के खिलाफ भरत सिंह चुनाव जीते थे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे गाँव के 300-400 लोग खड़े हैं, और अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस लड़के का कोई दोष नहीं है, तो अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हुई, उनने भी कहा है कि जब तक वो पूरी निष्पक्ष जांच नहीं करा लेंगे तब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई अगर ये दोषी हैं तो कार्रवाई हो, लेकिन अगर राजनीतिक द्वेष के कारण या बुराई के कारण किसी आदमी को गलत फंसाना और 19-20 साल के बच्चे का कैरियर बर्बाद करना, ये गलत बात है। और मैं चाहता हूँ कि राजनीति में चुनाव लड़ना अपनी अपनी जगह रहती है, परंतु किसी व्यक्ति के आप व्यक्तिगत हनन ना करें उसका चुनाव में, आप मुद्दों की बात करें, अगर आपको कोई बात करना है तो मुद्दों पर करें, परंतु किसी आदमी से बुराई भजाने के लिए उसके परिवार के साथ और चरित्र हनन का या उस बच्चे के 19-20 साल के बच्चे का कैरियर बर्बाद करना, तो ये गलत बात है। और मैंने SP साहब से भी निष्पक्ष मांग की है, और मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्ष जाँच कराए, और अगर ये दोषी नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। संजय सरवरी, लखनी से न्यूज़। जनपद पंचायत दमोह की एक और ग्राम पंचायत है मणाहार, जहां पर नाली खोदी गई थी, निर्माण कार्य नहीं हुआ, राशि का आहरण तो कर लिया गया लेकिन इसका खर्च नहीं किया गया। जनप्रतिनिधि एवं सचिव सहायक सचिव पर ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि राशि निकालने के बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ, ग्राम के लोग परेशान है, मुख्य सड़क के किनारे ये गाँव आता है, ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान है, आए दिन हादसे हो रहे हैं। आपका कहाँ से आया? ग्राम पंचायत मणाहार। क्या समस्या है आप? समस्या ये है श्रीमान जी कि हमारे गांव में नाली खुली पड़ी है, पैसा निकल चुका है, 400 फुट नाली है, और 1300 सरपंच सचिव
राशि निकाल चुके हैं और नाली खुली पड़ी है, ढोर बच्चे गाय सब गिर रहे हैं, बाल बच्चे पानी भर जाता है नाली में तो बच्चे गिर जाते हैं। कौन है आपके यहाँ का सरपंच? सरपंच डीलन सिंह यादव, डीलन सिंह गौर सरपंच ने पैसे निकाल दिए, पैसा राशि सब निकल चुकी है। कितनी राशि निकाल ली? कितनी राशि निकाल ली? पूरी निकल चुकी उसमें राशि, 8-9 लाख रुपए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि नाली बन जाए या तो उसको करवा दी जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रताप सिंह यादव। कहाँ से आए हो? ग्राम मराहा से आए, जनपद पंचायत दमोह, जनपद पंचायत दमोह। क्या समस्या है दादा? ये समस्या है, हमारे यहाँ 1 साल से मंजूर नाली पड़ी है, सरपंच सचिव द्वारा नाली स्वीकृत हुई, इनने बोला कि हम खुदवाए रहे नाली, लेकिन इनने कोई नाली नहीं खुदवाई। अब मौका पे अभी चुनाव के टाइम पे इन्हें नाली खुदवाई तो अधूरी खुदी गली है और उसमें राड कसवा दी है तो उसमें पानी भर गया, तो अब तो एक दो बच्चे भी गिर गए हैं और राजनगर रोड है बाजू से तो उसमें दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। अब तो बच्चे जाते हैं तो परेशान होती है और सरपंच सचिव और रोजगार सचिव कोई सुनते ही नहीं। वे कहते इनने पैसे खाए, वे कहते इनने पैसे खाए, तो जब सब पैसे खा लिए तुमने तो हम नाली का मैं तो बना दी, इसलिए इनके ऊपर कबड़ी निकलवा के और कार्रवाई की जाए। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक ग्रामीणों की समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज़ दमोह। ग्राम पंचायत भटिया से बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं के इनके द्वारा नारे लगाए गए और जमकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट में यह प्रदर्शन किया गया, सड़क की मांग की गई। इनका कहना कि बरसों से सड़क की मांग की जा रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग को यहाँ पर सड़क बनानी है लेकिन कभी भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। आज तक निर्माण कार्य न होने से काफी परेशान है। ग्रामीणों के द्वारा जमकर हल्ला बोला गया, किस तरह से ग्रामीण परेशान है आइए आपको सुनाते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। ये कहाँ से आए हैं आप लोग? कैसे? ग्राम पंचायत फुलरी, तहसील पटेरा और पोस्ट बटिया, कोई ब्लॉक पटेरा रोड के सीतानगर पुटरी का जो मेन वो रोड है जो है मणपुरेश्वर धाम के लिए है और पथरिया आधा पथरिया विधानसभा आधा रहता है हट्टा विधानसभा और आने जाने में बहुत दिक्कत है, इस कारण से आए हम लोग। ये पंचायत का रोड है या पीडब्ल्यूडी वाला है? बनाते नहीं हो? नहीं, नहीं कोई नहीं। कितने साल हो भाई? 3-4 साल। कितने साल से रोड नहीं है? वहाँ रोड है ही नहीं अभी तक, वहाँ पे रोड बना नहीं, बिल्कुल कच्ची सड़क है, मतलब बहुत प्रॉब्लम जाती है पैदल जाने में। अभी तक किस किस से आप लोगों ने निवेदन किया? अभी वही माननीय SDM महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया और माननीय SDM महोदय के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया और माननीय श्री PL तंतुआ विधायक के यहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन अनेकों बार ज्ञापन देने के पश्चात भी वहाँ पर रोड नहीं बना है। जो ग्राम पंचायत कुटरी है वहाँ पर कम से कम 10 से 12 गांव जुड़े हुए हैं जहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, एवं जो कुटरी से लेकर सीतानगर का मुख्य मार्ग है, जो नरसिंहगढ़ हटा का मुख्य मार्ग है, यह मणकुलेश्वर धाम को भी जोड़ता है, जो एक हिंदू समाज का मतलब मुख्य केंद्र है, जो वहाँ पर तीर्थ स्थल है उससे भी जोड़ता है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में बहुत समस्या होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें आने जाने में, और अभी तक एक भी बार वहाँ पर रोड का बिल्कुल काम नहीं हुआ है। एक ग्रामवासी काफ़ी दिनों से परेशान है, उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय टाइम दिया, संतवा जी को भी दिया, विधायक जी को, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या जो भटिया कुटरी होती है मणकुले सजाने के लिए बीच में मार्ग है वो काफ़ी दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण वाहन आने जाने वाली सुविधा होती है, बरसात के दिनों में और परेशानी बढ़ जाती है, तो इसी को मांग को लेकर काफ़ी समय से कुटरी और भटिया के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार सभी ने निर्णय लिया है कि यदि इस बार रोड का निर्माण नहीं हुआ तो सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। Thank you.
दो प्रमुख मार्गों की मांग की गई है ताकि ग्रामीणों को सड़क की सुविधा मिल सके। ऐसे में देखने लायक होगा जहां पर विकास की बातें की जा रही हैं, कब तक यहां पर सड़क निर्माण कार्य हो पाता है। और इस पत्रकार राजेश पटेरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज, दबाव। आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं काफी परेशान है, क्योंकि जब भी बैंक जाती है तो उन्हें भुगतान नहीं मिलता, लगातार उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई अपशब्दों का उपयोग भी इनके विरुद्ध किया जाता है। पैसा देने के बाद गेट को बंद कर दिया जाता है। एक एक महिला को 10-10 बार बुलाया जाता है। इस बात से नाराज महिलाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की गई काफी गंभीर बात है, जहां बैंक के अधिकारियों पर ये आरोप लगे हैं कि वह महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका, कहां से आई हो, क्या समस्या है? मेरा नाम रामबाई, श्रीमती रामबाई पटेल है, दमोह जिला ग्राम अभाना तलैया मोहल्ला कछवारी से। क्या समस्या है आप लोगों की? मैं आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ 2017 से, तो मुझे पहले से परेशानी कोई नहीं रही। अब 3 महीना से राजेंद्र मैनेजर आ गया, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान करता है। राशि निकालने में एक बार राशि निकालने में वो 10 बार बुलाता है, और एक महिला के समूह से 4,000 रूपए लेता है और गेट बंद करके और अनाप शनाप बोलता है। कौन बोलता है? राजेंद्र वर्मा, बैंका साहब राजेंद्र वर्मा। क्या चाहती हो आप? मैं उसके लिए ये चाहती हूँ इसको कहीं वो दूसरी जगह भेजा जाए। अम्मा, क्या नाम है आपका? रेखा जी। कहाँ से आई हो? अभाना से। क्या समस्या है आप लोगों को? अभी उनको हटाना है। किसको हटाना है? बैंक वालों। बैंक वालों। क्यों, क्या कर रहा है वो? परेशान करते हैं सर, सर पैसे निकालने जाते हैं, परेशान करते हैं। महिलाओं के द्वारा खुलकर इस बात को जाहिर किया गया कि बैंक मैनेजर परेशान कर रहे हैं। अब प्रशासन की जवाबदेही है कि आखिर कब तक इस पर कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज, दमोह। जनपद पंचायत दमोह के ग्राम पंचायत खामखेड़ा, जहां पर लाइट न होने की वजह से लोग काफी परेशान है। विशेष रूप से दलित बस्तियों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, अनेक बरसों से लाइट यहाँ पर नहीं है। बताया जाता है कि डीपी न होने के चलते पूरे वार्ड के लोग अंधेरे में जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। वार्ड के लोग ये भी कहते हैं कि अगर दूसरे स्थानों से कहीं लाइट ली जाए तो उन्हें परेशान किया जाता है। जानबूझकर उनके मोहल्ले की डीपी को नहीं रखा जाता ताकि संपूर्ण बस्ती अंधेरे में रहे। उनका ये कहना है कि दलित होने के चलते भेदभाव किया जा रहा है। मैं आपका कहां से आया हूं? कमलेश अहरवाल, ग्राम खामखेड़ा से आया सर। हमको 10 बरस से लाइट नहीं मिल रही सर, हमको बहुत परेशान है। हमको 10 बरस से लाइट नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर भी नहीं हमारे वहाँ गांव के दूसरी जगह पर रखा है, हमको लाइट नहीं मिलती है। बस्ती में से निकल के लाइट आती है तो हमारे वहाँ पहुँचती नहीं है। पूरे लाइट केबल गांव के लोग, बड़े लोग हैं, वो हमारी केबल जला देते हैं, पलीता बना के केबल जला देते हैं हमारे। हमको लाइट नहीं मिलती है सर, हमको लाइट चाहिए सर आपसे, ट्रांसफार्मर चाहिए हमको अलग सर। 3 और 4 वार्ड से बोलते हैं सर हम, हमको ट्रांसफार्मर अलग चाहिए। हमको लाइट का सुख नहीं हुआ कभी सर, लाइट चाहिए हमको। बिल हमसे मांगते हैं बिजली विभाग वाले के, आप हरिजन लोगों, आप पूरे गांव का बिल भरवा, इसके बाद हम आपको लाइट देंगे, ये बोलते सर हमसे। ग्राम खामखेड़ा से सर, विधानसभा दमोह जी, बताइए किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज हम लोग दमोह विधानसभा में, कुछ ऐसे ग्राम है, दलित ग्राम, जहां पर 10 वर्षों से प्वाइंट है ट्रांसफार्मर रखने का, लेकिन इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, और इन लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर बिजली विभाग तक अपनी समस्या बताई। पूरी दलित बस्ती है, आज तक इनको लाइट की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की गई, जिसके उपलक्ष्य में आज जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं। और बिजली विभाग एक बिल पर 40,000 लगभग सब्सिडी ले गई है, ये क्या लूट मची है? इस पर न जवाबदार बोल रहे हैं, न विपक्ष बोल रहा है। आखिर बिजली विभाग का ऐसा कौन सा इनको मलाई मिल रही है कि बिजली विभाग की भल लूट नहीं बताई जा रही है।
इस प्रकार से हम लोग सभी ग्रामवासी हम लोगों से संपर्क करें, हमारे यूट्यूब चैनल देखकर और पेपर वगैरह सोशल मीडिया पर देखकर आज लेके आए। हम खेड़े गांव में लाइट नहीं, हम लोग हरिजन हैं, तो हम लोग के लिए लाइट नहीं, हमारे बच्चे गर्मी में तड़पते हैं, पढ़ने के लिए तड़पते हैं, इस वजह से आए हम लोग, हमारी अगल कर दो लाइट सब, हम किसी से जो नहीं, बड़े लोग हैं तो वे बिल नहीं भरते हैं, हम लोग उनको क्यों बिल भरे, हम तो गरीब लोग हैं, जितनी हमारी लाइट आएगी उतने भरेंगे हम, तो वे लोग कहते हैं नहीं तुम भरो, इंडोर के जाते हैं तो वो कहने लगते पूरा बिल ले आओ, तो हम कैसे ले आएंगे सबको बिल, इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारी लाइट अकल करवा दी। कब से नहीं है आपके? 10 साल से हो गई है, 10 साल से लाइट लाते हैं, तार जोड़ जोड़ के लाते, तो रात में गिर जाते हैं, तो उसी टाइम में बच्चे हमारे उठ के लाइट सुधारने जाते हैं, फिन गिरा देते तो फिर फिन के जाते, इससे मच्छर खाते हैं, न लाइट में सो पाते, बच्चे रोते हैं, इस वजह से हम लोग वोट जब ही देने जब हमारे गांव में लाइट आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के द्वारा इस समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, कलेक्ट्रेट में यह प्रदर्शन किया गया है और मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए। देखने लायक होगा कब तक इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा लगातार समस्याओं को उठाया जा रहा है। विशेष रूप से सड़क न होने की शिकायतें संपूर्ण जिले से आ रही हैं। हालांकि दमोह जिले में विकास की गंगा बही है, आरईएस विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए से लगातार विकास किया गया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी सड़कें बनाई गई हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार विकास का दावा करते हैं, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम पंचायत इमलियाजेर जो कि जनपद पंचायत पटेरा के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा बताया गया कि नवापट्टी से इमलिया स्कूल 2 किलोमीटर, इमलिया से कुआखो 3 किलोमीटर, इमलिया स्कूल से जेर स्कूल तक 2 किलोमीटर, जेर स्कूल से सतरिया स्कूल तक 5 किलोमीटर की सड़कें की मांग लगातार की गई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन किसी ने इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया। हालांकि ये ज्ञापन देने के साथ इनका ऐसा मानना है कि जल्द से जल्द समस्या हल होगी। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत इमलिया जेल। ग्राम पंचायत इमलिया जेल। क्या समस्या है? रोड की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और रोड के कारण हमारे आए हैं, कई बार दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, और पढ़ाई लिखाई में बीमार व्यक्तियों के कारण और आवागमन में बहुत बड़ी समस्या बनती है, इस कारण हमें रोड चाहना है, रोड नहीं डलेगा तो हमारे आने वाले विधानसभा लोकसभा में बहिष्कार करेंगे। कब से नहीं है आपके गांव में रोड? हमारे तो जीवन में कभी नहीं डलो, जब से पूर्वजनों की आबादी, जब से बसे हैं, जब से कभी भी नहीं डलो। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राम सिंह, हमारा नाम है, जेल से आए हैं, इमलिया पंचायत से। हम लोगों को समस्या है रोड की, हमारे यहाँ जो परंपरा है रोड है ही नहीं है, हर समस्याएं गुजरती हैं, तो बताएं भाई है की डिलीवरियों में दिक्कत जात, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत जात, कोई भी आने जाने में हर तरीका है, कोई वाहन भी नहीं पहुँचते हैं, आज एम्बुलेंस बुलाएं तो वह भी नहीं आ पाते, पानी के नाले भी भरे तो बताएं पैदल यात्रा भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी हर समस्याएं गुजरती हैं, इस वास्ते हम लोग आए हैं। कब से नहीं है आपके गांव में रोड? रोड हमारे परंपरा से है ही नहीं है, सियाने तक लोग बता रहे हैं ही नहीं है, वो है ही नहीं है रोड, पानी आनी गिर जाता होगा तो फिर कैसे निकल देंगे आप? हम तेरा पैदल यात्रा नहीं कर, बाकी है ही नहीं है व्यवस्था कुछ, और खटिया पे देखे जात कौन डिलीवरी वाले का तो केस मर भी गए, हम आए थे कौन सांप माप काट खा तो भी केस मर गए, ऐसे कई आदमी आज भी समस्या भाई गुजर रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग रोड चाहते हैं सर। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? हम लोग 2017 से कर रहे हैं शिकायत, 5 साल के करीब हो गए आज। आज तक कोई अधिकारी या अधिकारी नहीं, किसी ने सुध नहीं लिया? नहीं नहीं आज तक नहीं। हम लोग देखो विधायक जी अभी कह चुके, सांसद निधि जी से भी कह चुके, कई बार उनके तभी आ गए, कई बार तभी आ गए, लेकिन कोई शिकायत सुनाई नहीं हो रही आज तक। आज तो हमारे विधानसभा में आने वाले चुनाव में वोट डाल रहे हैं,
कितनी समस्या प्रशासन हल करता है ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली पुलिस पर मारपीट और गाली देने के आरोप लगे हैं। एक आरक्षक के ऊपर ये आरोप लगा है। लगातार ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। श्रीमती अनवर जहां पति मुबीन कुरैशी उम्र 40 वर्ष के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा दूसरी बार ये शिकायत की गई है और कहा गया है कि इस संबंध में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जी बताइए, कहां से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? हम बजरिया वार्ड नंबर 7 नूरी नगर से आए हैं। हमारा नाम अनवर जहां है। सुबह पुलिस वाले कल 12 बजे आए और उनके साथ 4-5 लोग और आए और हमारे लड़के को पूछने लगे। हमने कहा कि आप बताओ हमारा क्या काम है और हमारे बच्चे का काम। हमारा बच्चा गया है मजदूरी करने, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और गाली बकते, गलौज बकते और कहते हैं अपने लड़के को लेके आओ, नहीं तो हमें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हें भी बंद कर देंगे और परेशान करते हैं। एक बार और हमने 1:30 बजे रात में आए थे दारू पी के, जब भी परेशान किया था, जब भी हमने कलेक्टर साहब के दर आवेदन दिया था उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर SP साहब के दर दिया उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। आज जन सुनवाई में हम आए, हमको चाहिए कि इसकी FIR हो और हमें परेशान करना बंद करे। कौन करता है? शुभम पुलिस वाला। बैच नंबर है शुभम ठाकुर, बैच नंबर है 100885। क्यों करते हैं परेशान? पता नहीं है, हमें अपने आप आता है, कभी पैसे की मांग करता है, कभी ऐसे परेशान करता है, कहता है तुम्हारे लड़के कहाँ हैं। हमारे लड़के चले जाते हैं मजदूरी करने, हम गरीब इंसान हम क्या करें, आप बताइए। हमें तो न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए आए हैं। जी बताइए। मेरा नाम इशरत जहां, मेरी उम्र 63 साल। मैं वहाँ मौजूद थी अपनी लड़की के घर। ये सुमन पुलिस वाले गए, उनके साथ 4-5 पुलिस वाले थे, एक अंडरएज भी था। ओल्ड सीधे अल्फाजों में बात करने लगे, उसके बाद कहने लगे कितने केस लगाएंगे, मिल जाएगा, कहाँ है वो। उन्होंने बोली कि मजदूरी में गएंगी और वो बोल के वो परेशान कर रही है। 3-4 मरतबा परेशान कर चुके हैं और इनके उसी दिन टाइम और उस टाइम जब वो गएंगे, मैं हूँ ब्लड प्रेशर की पेशेंट, मेरी उसी टाइम हालत खराब हो गई थी, मुझे बाटल भी लगी। कौन कर रहा है परेशान? पुलिस वाले कर रहे हैंगे सुबह। क्यों करते हैं परेशान? किसको पूछने गए थे? क्या बारिश को पूछने गए थे कि बारिश कहाँ है तुम्हारा, और क्या बात है कि इनने पूछी क्या बात है कि सर बताइए मेरे को, यानी मिल जाने तो इतने केस लगाएंगे कि फिर समझ में आएगा तुम्हारी और तुम्हारी बात, तुम्हारे सब घर के बच्चों की। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस कई निर्णय सर सर के पास लेके आई हूँ, माधव जी के मंत्री। पटेरा से 5 किलोमीटर दूर है बड़ी खुआ वार्ड नंबर 9 में। लोग परेशान हैं क्योंकि सड़क नहीं है, चलने लायक रास्ता न होने के चलते लोग आंगनवाड़ी नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जाते। अगर बारिश हो जाती है तो मार्ग इतना खराब हो जाता है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया ग्रामीणों का कहना है, लेकिन बावजूद इसके अब तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ। आज लगभग 80 लोगों ने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन सौंपा है। कहा गया है कि अगर सड़क नहीं बनाई जाती तो आगामी दिनों में ये काफी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। नगर परिषद के उपाध्यक्ष के भी हस्ताक्षर है, दीपक ताम्रकार का ये हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जहानी। कहाँ से आए हैं? पटेरा। क्या समस्या है आपकी? जो है साहब के रास्ता नहीं है, कोई बाल बच्चे नहीं, हम कुछ भी है बड़ी कब से नहीं है रास्ता? रास्ता तो बहुत दिन से बंद कर दी। क्या चाहते हैं? अब रास्ता जा रहे साहब आपका है। किसने बंद की है रास्ता? अब कई तुम हमने जोत लाई से बंद कर दी, सरकारी जहाँ से थी सब जुट गई। क्या नाम है आपका? सर मूलचंद। मूलचंद कहाँ से आए हैं आप? बड़ी खुआ पटेरा। क्या समस्या है आपको? हमें ये समस्या है सर कि वहाँ पर रास्ता नहीं है, पुरानी है जो लिखित में जब से रहती वहाँ से हम रूट चाहते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को आते हैं, बारिश में दिक्कत हो पढ़ने को नहीं आ पाते, इसलिए हम सबको रूट चाहिए। अभी आप लोग कहाँ से निकलते हैं? आप अभी रास्ता है जैसे अभी सूख गो तो मेड़ों से निकल जाते थे, और
बारिश में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और जैसे कोई बीमार हो जाए तो कंधा पे धर के ला 4 किलोमीटर दूर से पटे रहता है, अपन खुद परेशान हो जाए कि कुछ रास्ता में कहीं भी। देखने लायक होगा ग्रामीणों की समस्या कब तक हल होती है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, दमोह। दमोह के सिविल वार्ड नंबर 1 में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। डायल 100 के पायलट से परेशान है क्योंकि लगातार वह उत्पात मचा रहे। संबंध में आज एक लिखित शिकायत की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े ये लोग डायल 100 के पायलट से परेशान है। बताया जाता है कि लगातार उत्पात मचाया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती। 2020 में भी इनके द्वारा आवेदन दिया था, तब से लगातार आवेदन दे रहे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। किस तरह से बाढ़वासी परेशान है आइए आपको सुनाते हैं। ये कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? हम सिविल वार्ड नंबर 1 शोभनगर से आए हैं। हमारे यहाँ पे एक लड़का है मोनू अठिया करके, मनीष अठिया नाम है उसका, सन ऑफ प्रेम अठिया। वो आए दिन मोहल्ले में दारूखोरी, यहाँ वहाँ पत्थर फेंकना, लड़कियों के लिए छेड़ना, महिलाओं का आना जाना दुश्वार किया, बहुत परेशान किए है वो मोहल्ले में सभी लोगों को। उसके विरुद्ध में जो कोई भी बात करता है तो सीधी धमकी देता है कि हम 100 डायल चलाते हैं और हमारे पास पुलिस प्रशासन है साथ में। हमने पूर्व में भी हमारे मोहल्ले से एक आवेदन आया था 2020 में, जब से हम लोग शिकायत कर रहे हैं और हम लोगों ने बताया भी है पुलिस को, बार बार हम लोग आवेदन देके ये सचेत कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा परेशान की है वार्डवासियों के लिए। इसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसका 100 डायल का वाहन छुड़ाया जाए, उसे जो भी उसके पास पदभार है उसे उस चीज से अलग किया जाए। आपका कहाँ से आए हैं? नाम जितेंद्र चक्रवर्ती है, सिविल वार्ड नंबर 1 शोभनगर से आए हम लोग। हमारे मोहल्ले में एक 100 डायल चालक है मनीष अठिया, मोनू के नाम से भी जानते हैं लोग। तो आए दिन बाढ़ में सभी बाढ़वासियों को परेशान करता है और मेन बात यह है कि वो 100 डायल चालक है। तो 100 डायल चालक है तो वो पुलिस की धमकी देता है और बहुत पुलिस का नाम लेके बहुत प्रताड़ित करता है। वायलेंस घूम लेके अलग घूमता है और धमकी देता है, दारू वादू अलग बेचता है और मोहल्ले में आए दिन यही पत्थर करता रहता है कि लाइट फोड़ना, पत्थर फेंकना, ये करता रहता है और सभी को नाजायज सताता है, पुलिस की धमकी देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पुलिस के संरक्षण में ये पूरा काम हो रहा, ऐसा लगता है। क्या चाहते हैं आप? इस पर कार्रवाई की जाए और जैसा कि इनको बता रहे थे कि अभी 100 डायल चलाता है तो धमकी भी दी है कि गाड़ी चला देंगे, है ना, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हम चाहते हैं कि भाई उसको अगर पुलिस का नाम लेकर ये पुलिस 100 डायल का दुरुपयोग कर रहा है तो भाई उसको इस काम से अलग किया जाए, है ना, और जो भी कार्रवाई बन सके प्रशासन से वो बिक्री चल रही है जी, कार्रवाई की जाए, सीसीटीवी प्राप्त करके वो भी देख लिया जाए। ऐसे भी देखने लायक होगा डायल 100 के पायलट के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर एक विशाल इनामी मैराथन दौड़ 2023 का आयोजन हिंडोरिया में किया गया। इसमें पथरिया विधानसभा के गड़ौला गांव के अजीत सिंह लोधी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 4 किलोमीटर की दूरी मात्र 14 मिनट में पूरी की। दौड़ में दमोह विधानसभा के गाँव गुंजी निवासी अजय सिंह ने दूसरा एवं ग्राम आनू निवासी यदुनंदन पटेल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि एनडीटीवी के जिला ब्यूरो आजम खान, वैभव नायक बंसल न्यूज से मनीष सोनी, संतोष गौतम, टीआई महेंद्र सिंह जगत, डॉक्टर गंगाराम पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सिंह के द्वारा की गई। ये और यहाँ सिकंदर मेडिकल के सामने से लोग प्रारंभ कराया जा रहा है। दामकों को कार्यक्रम के अंदर के वहां और इसी के साथ
से परिचय प्राप्त कर रहे हैं भारत धारकों से जो है अतिथि परिचय प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद दौड़ जो है प्रारंभ होगी। तमाम जहां तक आवाज हमारी पहुंच रही है बाजार क्षेत्र में या जहां तक भी कृपया कर सभी लोग जो है अगर वाहन वगैरह या किसी प्रकार की कोई बाधा रास्ते में है तो उसको हटा। राह के पत्थरों से बढ़कर हो नहीं सकती मंजिलें, ये वक्त आवाज देता है सफर जारी रखो। सफर हिंडोलिया नगर वासियों, सर ने बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, हालांकि मैं यहीं से पढ़ा, मतलब छोटी जगह से दमोह से ताल्लुक रखता हूँ। हिंडोलिया से रहीस खान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। जिला स्तरीय अखंड शिविर का 40वां पाठ का आयोजन तेंदुखेड़ा के अम्बाही में किया गया, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला भी पहुंची। उनके द्वारा उज्जैन की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तेंदुखेड़ा के ग्राम अम्बाही में जिला स्तरीय अखंड शिविर का 40वां पाठ का आयोजन किया गया। दीपचंद केवट के द्वारा ये आयोजन कराया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला और केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला पहुंचे। वहीं एक रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के द्वारा कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुंज महाराज के आशीर्वाद के माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन ने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया, मांसाहार मुक्त किया, चरित्रवान बनाया और समाज कल्याण के कार्यों में उन्हें आगे बढ़ाया। जय माता की, जय गुरुवर की। आज हमारे यहाँ ग्राम अमुआई में सम्मानी भैया दीप चंद्र केवट जी के द्वारा एक भव्य आयोजन किया है दुर्गा चालीसा पाठ, जिसमें नशा मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की बात को लेकर के इस ग्राम में 24 घंटे का अनुष्ठान किया है, जिससे लोग इस विचारधारा को आत्मसात करें और नशा मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान का जीवन जिए, अनीति अन्याय के से दूर रहें और अच्छा जीवन जिए। जो आज नशा कर रहे हैं लोग, जो दारू शराब पी करके घरों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहे हैं, अपने घरों में कलह मची है, युवा शक्ति छीण हो रही है, बर्बाद हो रहे हैं, कई तमाम ऐसी परिस्थिति बढ़ रही है शराब से, नशे से, जिसके कारण पूरा समाज तहस नहस है। इसी कड़ी में इसी को सब शांति के लिए और इस नशा को बंद करने के लिए ये दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है। जय माता की, जय गुरुवर। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, एक घायल। रोड नहीं तो बोट नहीं, भटिया वासियों ने किया जमकर प्रदर्शन। द
दतला के ग्रामीण पहुंचे दमो जिला पंचायत सदस्य बताए जाते हैं खपा जमकर की नारेबाजी, निष्पक्ष कार्रवाई की रखी मांग। ग्राम खामखेड़ा में नहीं है दलित बस्तियों में बिजली। खास खबरें अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।